क्या कहना चाहेंगे आज फिल्म का सॉन्ग रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग भी है और मुहूर्त भी है उसके बारे में क्या कहेंगे क्या कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ परिचय के साथ बताइए सर परिचय तो ऐसा मेरा नाम मुरली लालवानी है पर मैंने इससे पहले 13 साल पहले सेम म्यूजिक डायरेक्टर को लेकर मैंने फिल्म सीता बनाई थी और कृष्णा को सभी जानते होंगे गोविंदा के भाजे उसको मैंने भोजपुरी में लॉन्च किया था 13 साल पहले और उसके बाद कई मराठी फिल्में टेली फिल्में भोजपुरी फिल्में कई बनाई मैंने मगर मैं अपना नाम देता ही नहीं था अब एक फीमेल ओरिएंटेड कहानी लेके IPS पे तेजस्विनी यादव लेके आ रहा हूँ और बहुत सारी टीम रिपीट की है मैंने ये मैंने लिखा भी है इस कहानी को और डायरेक्ट भी कर रहा हूँ और इसमें IPS की भूमिका कर रही है रूपा सिंह और इसके साथ में जुड़े हैं निर्माण में उमर खान हैं इसमें कुछ कलाकार दिल्ली शाहजहाँपुर जैसे देवेश यादव है ये कुमार गौतम है और इसमें संजय पांडे जी है और शुभम तिवारी जो कई फिल्मों में आपने देखा हो 20-25 हीरो में उनको इस फिल्म से मैं एक इम्पोर्टेंट बहुत सरप्राइज करेक्टर में पेश कर रहा हूँ तो एक अलग देखने को मिलेगा उसमें और बाकी प्रिंस राजपूत है और बहुत से कला संजय महानंद है कॉमेडियन और बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनको मैंने धीरे धीरे साइन कर रहा हूँ कर चुका हूँ सर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को उमर खान जी तो क्या है आपके सामने जब स्टोरी आई तो क्या सोचा आपने कि इसको प्रोड्यूस करना चाहिए ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है एक क्राइम बेस्ड है जैसा आपने देखा होगा फूल बने अंगारे रेखा जी की फिल्म आई थी फूल बने अंगारे किरण बेदी तो उन्होंने जिस तरीके से किया था कि बदला लेती हैं IPS उसमें रहती हैं उसी हिसाब से इसमें है कि एक लेडी IPS है जो अपने क्राइम का बदला लेती है अच्छा शूटिंग कब से स्टार्ट कर रहे हैं इस फिल्म की आज तो सॉन्ग रिकॉर्डिंग शूटिंग शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में किया जाएगा पहले सारे गाने रिकॉर्ड हो जाएंगे हाँ गाने रिकॉर्ड करने के बाद में शूटिंग का विचार कैसे है मतलब बॉम्बे में रखना है कि कहीं का कुछ लोकेशन सोची हुई है मथुरा और लखनऊ अच्छा तो जगह बैकड्रॉप वो रखा हुआ जी ठीक है सर तो इसमें कितने गाने होंगे इस फिल्म में अगर बात करें तो लगभग 7 गाने होंगे सारे सिचुएशन वाइज है आइटम सॉन्ग जैसे पहले होते थे आइटम सॉन्ग वगैरह कुछ है नहीं अभी तो उसकी जगह कुछ ऐसा मुजरा टाइप ही हो क्योंकि मेरी अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट है कि वो गाना जरूरी है क्योंकि कहानी वहीं से शुरू होती है एक नर्तकी का मर्डर होता है मेरी कहानी शुरू वहीं से होती है तो वो रखना जरूरी था बाकी 4-5 डुएट रोमांटिक सॉन्ग है हाँ अभी साफ सुथरी फिल्म है एक्शन ज़्यादा आपको देखने को वही बोला है नाम वैसा है तो एक्शन भी काफ़ी रहेगा प्रिंस राजपूत एक्शन भी करेंगे और एक पत्रकार की भूमिका भी निभा रहे हैं और उनके अपोजिट एक चैलेंजिंग रोल कर रही है रूपा सिंह जिसको एक IPS के रोल में एक्शन देखने मिलेगा पूरा वेरी गुड हाँ मुलाकात हुई बोले कैरेक्टर में फिट है ये कुमार गौतम जी और कई थिएटर वगैरह दिल्ली से करते हैं और ये है शुक्ला जी ये तो ऑलरेडी भोजपुरी में कई फिल्में कर ही रहे हैं इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल है और ये शाहजहाँपुर के हैं हिंदी फिल्म थिएटर के आर्टिस्ट हैं तो कुछ कलाकार दिल्ली शाहजहाँपुर बाकी सब भोजपुरी के जाने माने कलाकार हैं तो साथ साथ में कुछ नवों को भी इंट्रोड्यूस अभी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं एकदम नए भी नहीं तो कुमार गौतम जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर हाँ मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं थैंक्स बोलना चाहूँगा मुरली सर का और उमेर सर का उन लोगों ने मुझे देखा और मुझ में कुछ ऐसा लगा उन लोगों को कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ तो उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया और मैंने मतलब ना करने का कोई शब्द या सवाल ही नहीं था तो थैंक यू सो मच और आप लोगों से भी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मूवी बहुत अच्छी बनाएंगे मैंने बहुत मूवी देखी है इनकी और रियली बहुत गुड कुछ किरदार के बारे में आपको ब्रीफिंग दी गई होगी थोड़ा सा किरदार के बारे में मुझे स्क्रिप्ट सर आज देंगे हमारी बात हुई थी तो शाम को स्क्रिप्ट देंगे तो मुझे पता चला जैसा कि बताया इन्होंने कि भारी हाँ मुझे ये बोला आपने बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी मुझ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं मुरली सर मैं बेसिकली जो मेरा करेक्टर होगा वो एक विलन का करेक्टर होगा नेगेटिव रोल में प्ले कर रहा हूँ इसमें बाकी आप लोग हैं और सर हैं तो सपोर्ट में सब कर लूँगा ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं सर ने पहले ही कहा था कि जैसे पहले चलता था भोजपुरी में कि हम लोग जो सीन्स देखा करते थे वो अब नहीं रहेगा ऐसा कुछ भी सर आप कुछ कहेंगे नमस्कार मेरा नाम आदित्य शुक्ला है नेगेटिव रोल में मुरली जी ला रहे हैं
और मुरली जी का सबसे बड़ा शुक्रिया हूँ कि उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा है इस लाइन में। और क्या बोल अच्छा आप कुछ कहेंगे? अभी नेगेटिव करेक्टर कर रहे हैं जी। देवेश यादव शाहजहाँपुर से। इससे पहले मैंने हिंदी फिल्म में भी काम किया है। पहली फिल्म की थी लाल बादशाह। हाँ मैंने देखा था, लगे रहो मुन्ना, क्या नाम था, लगे रहो है ना उसी में जी। और हम दो अनजाने एक हिंदी फिल्म की थी। और सर की एक फिल्म मराठी फिल्म पकिया भाई में भी काम किया था। अच्छा करेक्टर। तो इसमें किस प्रकार का किरदार है आपका और कितने एक्साइटेड हैं उस को लेकर किरदार? सर उसको तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सर के साथ काम करने में हमें मज़ा भी बहुत आता है। इतना कहीं और नहीं आता, मतलब खुशी के कारण आंसू चल रहे हैं। जी बह गए थोड़े देर। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट। सबसे पहले बहुत बधाई और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? कितने एक्साइटेड हैं आप? किस प्रकार का गाना है? क्या आपको ब्रीफिंग दी गई है? क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? गाना तो भी गाऊंगी तो पता चलेगा जस्ट। और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, और विशेषकर मैं कोलकाता से आई हूँ स्पेशली भोजपुरी सॉन्ग के लिए, तो रियली मैं सो एक्साइटेड। और बताया गया होगा आपको जाने के लिए, तो क्या कुछ प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सराहनी कदम। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक्स देना चाहूँगी कि मुझे इस लायक समझा कि मैं इस फिल्म में गाऊँ। और जैसा टाइटल है, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा फिल्म है ये। एक नारी के ऊपर ही लगता है कि डिपेंड है, बहुत नारी ओरिएंटेड। जी जी जी। आज नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके का समाज में एक जागरूकता लाने का काम करेंगे। तो इसमें आपका कितना योगदान होगा? क्या होगा, क्या आप प्रिपेयर करके आई हैं, कुछ तैयारी करके आई हैं? मैं सिंगर हूँ, मैं कोशिश करूँगी अपना 100% देने का। और क्या कुछ कहेंगे? चलते चलते दो लाइन गुनगुना दीजिए। अभी तो ये गाना हुआ नहीं, कोई आपका फेवरेट गाना जो हो, जो दर्शकों को पहले आप गा चुके? आपकी कोई भी फिल्म का जी, फिल्म में भी नहीं, एल्बम का अपना एल्बम का सुनाइए कोई गाना है। और अपना मैं लता जी को प्रेफर करती हूँ, तो लता जी का एक सॉन्ग मैं गाना गाऊंगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। थैंक यू। कलकत्ता में अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, रानू मंडल। जी जी, रानू मंडल, वो भी ऐसे कहीं गाते थे स्टेशन। आपको आशाएं हैं कि इस फिल्म से आप भी रानू मंडल बने? देखिए रानू मंडल जी के बारे में तो मुझे इतना पता नहीं है जी, बिल्कुल वो कलकत्ता में मतलब अभिनय छुपा हुआ है घर घर में। हाँ बिल्कुल, संगीत ज्यादा छुपा। जी जी, तो गौरवान्वित महसूस करती हैं अपने आप को कलकत्ता के जमीन धरती पर, जमीन पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई की धरती को सलाम। तेजस्विनी यादव IPS, आज का मुहूर्त हो रहा है गाने के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेके? कितने एक्साइटेड हैं? आपके किरदार किस प्रकार के हैं इसमें, इस फिल्म में, और क्या दर्शक देख पाएंगे इसमें अलग कुछ आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्ते प्रणाम, हम प्रिंस सिंह राजपूत, हमारे जितने भोजपुरी समाज, हमारी भोजपुरी परिवार है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग आए हुए, शुभारम्भ हो रहा है, बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी फिल्म है तेजस्विनी यादव IPS। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा तो जानकारी हमको नहीं है, बस हम लोग शुभारम्भ कर दिए हैं। और किरदार, अगर किरदार की बात करें आपके, किस प्रकार का किरदार है, क्या आपको ब्रीफिंग दी गई थी, क्या बताया गया था, और क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपने किरदार को लेकर? जी जो भी रोल है बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अभी मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी हम लोग शुभारम्भ किए, जिस दिन हमारा शूटिंग ऑन होगा उस दिन भी आप लोग आएंगे, उस दिन हम ओपन करेंगे। ओके मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार को लेके, इस फिल्म को लेके, खास करके आज मुहूर्त है गाने के साथ? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम, रूपा सिंह का जी। रूपा जी बताएं, क्या आप कितने एक्साइटेड हैं आज मुहूर्त को लेके, इस फिल्म को लेके, अपने किरदार को लेके,
जैसे कि बताएं कि उमर जी और मुरली जी हैं और हमारी पहली मुलाकात, इस जान पहचान बहुत पहले से थी बट पहली मुलाकात हुई, उमर जी का कॉल आया मेरे पास कि तेजस्विनी फिल्म बन रही है और हमारे डायरेक्टर आपका फ़ोटो देखे हैं और बोले मुझे यही हीरोइन चाहिए और IPS में ये परफेक्ट बैठेगी, तो ये चीज़ मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो मुरली सर ने मुझे इस चीज़ के लिए फाइनल किया और उमर जी ने। और जैसा कि किरदार में आज तक ऐसा सोचती थी कि कुछ मुझे ऐसा मिले, हमेशा भोजपुरी में देखा जाता है हीरो ओरिएंटल फिल्में बनती है लोग कहते हैं उसी से, लेकिन नहीं, अभी हमारी पब्लिक चेंज हो रही है, उनका बर्ताव चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रहा है, तो हीरोइन ओरिएंटल फिल्म आ रही है तो पब्लिक को आशा करती हूँ पसंद आएगी। नारी प्रधान फिल्म है और आपके इर्द गिर्द ये कहानी का ताना बाना बुना गया है, तो जवाबदारी है कंधे पर जी। और कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ कंधे पर आता है तो बचपन याद आ जाता है। जी जी हाँ, इसमें तो है और मैं अपना इसमें 100% दूंगी क्योंकि कुछ सोच समझ के मुरली सर और उमर जी ने मुझे फाइनल किया है, तो मैं तो अपना बेस्ट दूंगी, 100% अच्छा दूंगी कि पब्लिक उस चीज़ में मुझे अच्छा खरा उतरा देखे। ओके, IPS अधिकारी की भूमिका में हैं आप, तो क्या किसी को आपने सर्च किया या कुछ ऐसा इस प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं कि हाँ IPS किस प्रकार से होते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं लोगों से, आम जनता से, या जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ किस प्रकार का उनका बर्ताव होता है? हाँ, मैंने देखी मूवी मर्दानी रानी जी की आई थी, तो मैं उस टाइप का चाह रही हूँ कुछ इस तरह से प्ले करूँ अपना किरदार। Okay. भोजपुरी में ऑलमोस्ट बहुत दिन से हमको लगता है कि 4-5 साल से हीरोइन ओरिएंटल फिल्म बनना बंद हो गया था, जब तक रानी जी थी जी। काफ़ी फिल्में की, एक अच्छा है इंडस्ट्री के लिए भी कि हीरोइन ओरिएंटल एक रियल घटना पर है ना, ये फिल्म एक रियल घटना पर बन रहा है और अच्छा कंसेप्ट। शिवम भाई क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जितने लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं। एक कलाकार के लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब भी कोई फिल्म की मुहूर्त होती है, और हमारे बहुत ही प्रिय कलाकार दो मेरे बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पर, प्रिंस जी और रूपा जी। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, तो लेकिन हमने कुछ एक अच्छी फिल्म डिज़ाइन की है और मुरली जी ने इस फिल्म के लिए ये कहा है कि आज आप सभी को पता है कि आज सैटेलाइट की दुनिया ज़्यादा चल रही है, थ्रेटिकल राइट्स और थ्रेटिकल कुछ चल नहीं रहा है ज़्यादा, तो इन्होंने क्या प्लान किया कि हम ऐसी फिल्म बनाएं जो सब परिवार के साथ आप देख सकें। एक महिला प्रधान फिल्म है ये नेचुरली, और आज घर घर में सैटेलाइट के जरिए आप टेलीविज़न के जरिए फिल्में देख रहे हैं, तो इसमें आज हमारी दोनों एक्टर और एक्ट्रेसेस को, मुझे मुरली जी को बहुत मेहनत करनी है कि हम, क्योंकि हम परिवार तक पहुँचने वाले हैं, आपके एकदम बिल्कुल घर के अंदर बेडरूम तक पहुंचने वाली फिल्म बनानी है, क्योंकि बहुत अब हो गया, उसी फिल्म में तो अब चलती नहीं है, और वैसे भी शुभम तिवारी उस ऐसी फिल्म में आज तक नहीं किया है, तो मुरली जी ने एक मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट सुनाया और जिसके लिए मैंने हाँ किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी, और जो प्यार आप लोगों ने आज तक मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसा ही प्यार देंगे। नया रूप देखने को मिलेगा। मुरली सर, क्या कुछ कारण रहा प्रिंस को लेना इस फिल्म में या रूपा को लेना इस फिल्म में, क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे? प्रिंस तो वैसे ही एक्शन और हैंडसम हीरो है, एक्शन स्टार है, नो डार को ही लेना चाहेगा वो बात अलग है, पर रूपा जी को लेना था, ऑपोजिट हीरो तो हीरो चाहिए ही, तो मुझे ना ये जोड़ी ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, और बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी इस बार एक्शन तो है ही, पर एक एक्शन को छोड़ के एक सिंपल हीरो भी है इसमें, एक पत्रकार का रोल है जिनके कहानी टर्निंग पॉइंट वहीं से होता है, जो IPS अधिकारी जो बनती है उनकी वजह से ही बनती है। फिर दोनों का काम तो आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा क्या है, सभी अगर बता दूंगा अभी नहीं, ये देखिए इट्स वेरी कॉमन स्टोरी, आपको पता है, देखिए लेकिन जो ट्रीटमेंट होती है सिनेमा की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ट्रीटमेंट मुझे पता है कि मुरली जी बहुत अच्छे से देने वाले हैं, और हमारे जितने भी यूनिट के लोग हैं अभी हमारी मुलाकात हो रही है एक एक करके, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस मामले में कि बहुत अच्छी बढ़िया सिनेमा बनी। एक शुभम तिवारी इस फिल्म से आपको एक नए रूप में मिलेंगे, लेकिन एक दुदु बजरो बड़े शुभम तिवारी बड़े प्रिंस बड़े, तो भाई लोग कंफ्यूज हुए कि भाई क्या बात हो, बहुत कुछ सीक्रेट है लेकिन सिनेमा में बहुत बड़ा सीक्रेट बात जो आज तक निकले भाई वो ही सिनेमा में हुई शुभम तिवारी के जरिए। अभी होगा प्रिंस, क्या लगता है आपको, शुभम है तो चैलेंज, इट्स अ शुभम, इट्स अ शुभम तिवारी, नहीं नहीं हमारे बड़े भाई है सीनियर आर्टिस्ट है, तो हम सीखेंगे इनसे अपनी जगह पे, बिल्कुल रूपा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर, आपने चयन किया इस फिल्म में आपका,
मुख्य किरदार है। मुरली सर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेंगे तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मेरे सामने रखे हैं। मेरे लिए एक चैलेंज की बात है और मैं उस पर अपना 100% दूंगी और सब लोग अपना 100% देंगे। कलाकार क्या चाहता है, मैं अपना 100% दूँ तभी हमारे पब्लिक हमें पसंद करती है। आपका हनुमान चालीसा जी भाई शुभकामनाएं। हनुमान चालीसा सर फिल्म बन जाएगा तब गाएंगे। क्या कहेंगे आप सभी कलाकारों के लिए? बस आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फिल्म को, मैंने बहुत सोच समझ के प्रिंस जी को और रूपा जी को लेके आया हूँ। संजय पांडे जी विलन है और एक विलन और छुपा हुआ है और इसी में बैठा हुआ है, लेकिन वो क्लियर नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं सिनेमा के और एक बहुत बढ़िया सिनेमा, पारिवारिक सिनेमा, और आप सभी ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा और हो सके जितना ज़्यादा हमारे जनता तक आप पहुंचाएंगे, दर्शकों तक मीडिया के जरिए पहुंचाएंगे। तो एक जब नई फिल्म बनती है, कोई भी फिल्म का अनाउंसमेंट होता है, उससे कम से कम 100-200 घर ऑन द स्पॉट शुरू होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिनेमा को पॉजिटिविटी आप लोग प्रेजेंट करें और मैं मेरी टीम की तरफ से और मेरे तरफ से भी मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा करके हम तीनों कलाकारों को, संजय भैया को भी चयन किया है और एक अच्छे सिनेमा बनाने की कोशिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।